देखो नमस्कार, आज का हमारा चैप्टर जो है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियाँ और करियर, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है और हम अत्यंत सरल भाषा में इसकी परिभाषाओं पर थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। शारीरिक शिक्षा की धारणा जो है बिल्कुल काफ़ी समय से चली आ रही है, कोई ये नई धारणा नहीं है और काफ़ी समय पहले भी यह मौजूद थी। इसका हम अलग अलग रूप में अध्ययन कर सकते हैं, हर व्यक्ति के लिए इसका अर्थ भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन हम बात करें शारीरिक शिक्षा की तो वास्तव में एक बहुत ही कठिन शब्द हो सकता है कि हम इसे कैसे परिभाषित करें। सुकरात, अरस्तु और प्लेटो जैसे दार्शनिक जो थे उन्होंने अपने इस पर काफ़ी समय पहले भी विचार व्यक्त किए और पुराने समय में भारतवर्ष में ऐसी क्रियाएं जो थी, खेलकूद संबंधी क्रियाएं थी, वो सभी शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग मानी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया तो शारीरिक शिक्षा का अर्थ भी बदलता गया। कई बार इसे शारीरिक प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, खेल, शरीर संस्कृति आदि भी कहा गया और इसे ये भी समझा गया। लेकिन अगर हम वास्तविकता देखें तो शारीरिक शिक्षा जो है इन शब्दों से अलग कहीं एक ट्रेंड है, एक प्रवृत्ति है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बक क्या कहता है, बक क्या कहता है कि शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम का एक भाग है शारीरिक शिक्षा, यानी कि शारीरिक शिक्षा जरूरी है प्रत्येक बच्चे के लिए। यह जरूरी है कि वह इस प्रकार की शिक्षा को सीखे। फिर यहाँ आप देखिए बुचर ने क्या कहा है, उसने कहा है कि यह शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग किसे कहते हैं, जिसे जिस अंग को हम अपने शरीर से अलग ना कर सकें, यानी कि यह बहुत ज़रूरी है कि हम शारीरिक शिक्षा को प्राप्त कर लें। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हम इसके लक्ष्य और उद्देश्य की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो ज़रूरी प्रश्न है वो इनमें से कहीं ना कहीं से कवर हो जाएंगे। लक्ष्य क्या है शारीरिक शिक्षा का, लक्ष्य ये है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, कोई भी व्यक्ति जो है उसका हर तरीके से विकास करना ही इसका लक्ष्य है। किसका लक्ष्य है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। यह आसान कार्य नहीं है कि हम शारीरिक शिक्षा बहुत आसानी से प्राप्त कर लें, काफी थोड़ा मुश्किल होता है इसे प्राप्त करना। इसलिए जो है इसके उद्देश्य अनेक हो सकते हैं, लक्ष्य तो एक होता है लेकिन उद्देश्य अनेक हो सकते हैं कि हम किस कार्य के लिए यह शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब अलग अलग जो शास्त्री हैं उन्होंने इसके उद्देश्य अलग अलग बताए हैं। क्लार्क ने क्या बोला कि इससे शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, यानी कि हम हेल्दी होते हैं। फिर बोला कि सामाजिक गुणों में वृद्धि होती है, समाज में जो हमें रहने के लिए गुण चाहिए हो उसमें इससे बढ़ोतरी होती है और हमारी संस्कृति जो है उसके लिए भी हमें इस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। बुक वॉल्टर ने इसके तीन उद्देश्य बताए, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है, फालतू समय का उचित प्रयोग कर सकें इसके लिए भी शारीरिक शिक्षा जरूरी है, साथ ही नैतिक चरित्र भी इसमें जुड़ जाता है, इसके उद्देश्य में जुड़ जाता है कि हम कितने नैतिक हैं, नैतिकता हमारे में कितनी है। यहाँ पर आप देखिए अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग उद्देश्य बता रहे हैं। हैबरिंगटन ने 5 उद्देश्य बताए हैं, लेस्ली ने भी 5 बताए हैं, लेकिन अगर हम इसके सारे का निष्कर्ष अगर देख लें सरल शब्दों में तो सबसे पहला जो निष्कर्ष है कि हमारा शारीरिक विकास होता है, जिसमें हमारा स्नायु प्रणाली है, श्वसन प्रणाली है,
रक्त संचार और मांसपेशियां सभी उनका क्या होता है, विकास होता है, जिसे हम शारीरिक विकास कहते हैं, यानी फिजिकल डेवलपमेंट होती है। और यही डेवलपमेंट क्या है, एक अच्छा शरीर और स्वस्थ शरीर बनाने में सहायक है, जो हमारे लिए बहुमूल्य निधि है और हमारे राष्ट्र का निर्माण करने में भी सहायक हो सकती है। शारीरिक विकास का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें स्नायु प्रणाली और मांसपेशियां और पाचन प्रणाली आदि सभी का विकास हो, यानी वो स्वस्थ हो। उसके बाद आता है मानसिक विकास। मानसिक विकास व्यक्ति के मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग पर नियंत्रण रखें, दिमाग को जागरूक रखें और ध्यान मग्न बनाएं। यहाँ पर शारीरिक शिक्षा से हमारा मानसिक विकास भी होता है। उसके बाद आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में जो खेल भावना है, सांत्वना है, अच्छा खेल, सहयोग की भावना, हम इससे सीखते हैं कि कैसे हम अपने समाज में व्यक्तियों के साथ सामंजस्य बिठाएं, तो इसे क्या कहते हैं, सामाजिक विकास कहते हैं। और इस तरह का वातावरण शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों से संभव है। उसके बाद आता है नाड़ी पेशीय समन्वय, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जिसमें इस तरह का जो ये उद्देश्य जो है खेलों के से हमारी जो नाड़ी संस्थान है और मांसपेशीय संस्थान है वह विकसित होता है और थकान दूर करने में यह सहायता करता है। उसके बाद आता है कि भावात्मक विकास होता है। भाव कौन कौन से होते हैं, खुशी है, आशा, ईर्ष्या, डर, क्रोध, आश्चर्य, ये सब क्या है, ये हमारे भाव हैं, भावनाएं हैं, ये हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। यदि हम इन पर नियंत्रण ना रखें, इन्हें ना रोकें, तो ये अनियंत्रित हो जाएंगे, और इस पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, जो हमें शारीरिक शिक्षा से सीखने को मिलता है, यानी कि हम अपने भावों पर नियंत्रण रख सकते हैं और इस भावना नियंत्रण से ही हम अपने समाज का विकास भी कर सकते हैं। तो भावनाओं पर नियंत्रण जो है वह किससे मिलता है, हमें शारीरिक शिक्षा से प्राप्त होता है। उसके बाद आता है स्वास्थ्य का विकास। स्वास्थ्य का विकास करने में शारीरिक शिक्षा का योगदान बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी खेल कूद संबंधी गतिविधि करेंगे तो स्वास्थ्य का विकास निश्चित है। अभी इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि शारीरिक शिक्षा में शिक्षण करियर, टीचिंग करियर हम कैसे इसमें बना सकते हैं। शारीरिक शिक्षा को पारंपरिक रूप से एक व्यावसायिक क्षेत्र माना जा चुका है और यह करियर उनके लिए उचित है जिनकी रुचि इसमें करियर में होती है, टीचिंग करियर में जो जाना चाहते हैं। तो इसमें अलग अलग क्षेत्रों में हमें अवसर मिल सकते हैं, जिसमें प्राथमिक विद्यालय की हम बात करें तो इस बात को भी मान्यता है कि वहाँ पर शारीरिक शिक्षा अवश्य होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम इस क्षेत्र में करियर पर ध्यान दे सकते हैं। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के द्वारा बच्चे रचनात्मक बनते हैं और अपनी आत्म छवि विकसित करते हैं, यानी खुद का उनका विकास होता है और वो एक अच्छे तरीके से तोड़ना, कूदना, चढ़ना, फेंकना, पकड़ना, किक लगाना आदि जो है सीख सकते हैं, विभिन्न क्रियाएं जो है वो सीख सकते हैं। उसके बाद हमारा माध्यमिक विद्यालय में अवसर जो है, इसमें भी काफ़ी अवसर हैं शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए। हाई स्कूल्स में भी पीटीआई टीचर्स की नियुक्ति की जाती है। शिक्षण संस्थानों में जो है इसके लिए काफ़ी अवसर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी जो टीचिंग है उसके लिए काफ़ी अवसर हैं, महाविद्यालय और विद्यालय में भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण करियर की बात करें तो आपने देखा भी होगा कि
अध्यापक के रूप में और प्रशिक्षक के रूप में कुछ लोग अपना करियर बनाना पसंद करते हैं। कोच के रूप में भी आपने देखा है, यहाँ पर आप देखिए प्रशिक्षण करियर की कुछ लाभ और हानियाँ भी हो सकती हैं, और इस व्यवसाय में आदर और जीत के उत्साह के रूप में आंतरिक इनाम भी मिलता है। यानी हम जब जीत जाते हैं तो हमें एक अलग तरह की खुशी होती है। उसके बाद हेल्थ रिलेटेड करियर्स आते हैं, और अभी जो हेल्थ रिलेटेड करियर्स हैं इसमें काफ़ी तेज़ी से वृद्धि भी हुई है। इनमें मोटापा, मधुमेह आदि से दूर रहना जो लोग चाहते हैं उसके लिए आप अपने इस तरह के करियर्स को चुन सकते हैं। जिम आदि जो हैं उसमें भी अभी आप देखिए कुछ सुविधाएं हैं, जैसे वर्लपूल है, सोना है, स्टीम रूम है, मालिश है आदि सुविधाएं भी ग्राहकों को दी जाती हैं, जिसमें आप अपना एक करियर बना सकते हो। प्रशासन संबंधी करियर, खेलों में भागीदारी और खेल से संबंधित व्यवसाय के बढ़ने के कारण आजकल ये बढ़ गया है कि आप प्रशासन संबंधी कार्य इसमें कर सकते हैं, इसी क्षेत्र में, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में। कुछ विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में यूजी और पीजी डिग्रियां करवाई जाती हैं, और इस तरह से आप यहां पर प्रशासन से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें प्रवेश कर सकते हो। अभी बात करें प्रशासन संबंधी करियर्स की, तो शारीरिक शिक्षा विभाग होता है जिसमें विभिन्न कोर्स चलाए जाते हैं, और ऐसे विभागों में प्रशासन जो है चेयरमैन के हाथों में होता है। इसमें शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापक और गैर शिक्षण नॉन टीचिंग कर्मचारी भी काम करते हैं, और इसी तरह का करियर हम चुन सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारा खेल विभाग। खेल विभाग भी, इसमें भी जो है अवसर काफ़ी होते हैं नौकरी प्राप्त करने के। राज्य के खेल विभाग में भी प्रशासन से संबंधित व्यवसाय में अनेक पद होते हैं। जिला खेल अधिकारी हैं, राज्य स्तर पर खेल निदेशक हैं, उप खेल निदेशक आदि हैं, तो इस तरह के कार्यों का चुनाव किया जा सकता है। पश्चिमी देशों में भी इसी तरह के कार्यक्रमों का काफ़ी फैलाव हो चुका है। इसमें प्रशासनिक कार्य के अलावा परिसर मनोरंजक निदेशक आदि नियुक्त किए जाते हैं, और खेल विभाग भी पाए जाते हैं पश्चिमी देशों में। औद्योगिक मनोरंजन, आजकल बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां अपने कर्मचारियों को मनोरंजन और खेलों में भाग लेने के अवसर देती हैं, ताकि उनके कर्मचारी जो हैं स्वस्थ रह सकें, फिटनेस उनमें आए और उनकी योग्यता बढ़े। इसी कारण से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो अपने कर्मचारियों को ये सुविधा देती हैं, और अगर उत्पादन बढ़ाएंगे तो कंपनी को लाभ होगा, इसलिए शारीरिक शिक्षा का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है कर्मचारियों को सक्षम बनाने के लिए। खेल सुविधाओं का प्रबंधन, ऐसे व्यक्तियों की, संगठनों की संख्या काफ़ी होती है जो खेल सुविधाएं रखना चाहते हैं, और जहाँ पर वे स्वस्थ और हष्टपुष्ट बने रहने के लिए व्यायाम भी कर सकें। जिम्नेजियम है, हेल्थ क्लब, फिटनेस केंद्र है, स्टेडियम, खेल, बर्फ का खेल मैदान और स्विमिंग पूल आदि सुविधाएं जो हैं, ये सब खेल सुविधाएं। मैनेजमेंट, अगर हम इनकी बात करें कि इन्हें कैसे मैनेज करना है, इसमें प्रबंधकों की आवश्यकता होती है, मैनेजर्स की ज़रूरत होती है, और हम इस क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। और आजकल ये करियर जो है काफ़ी तेज गति से बढ़ रहा है। उसके बाद आ जाता है उपलब्धि या प्रदर्शन से संबंधित करियर्स। तो यहाँ पर हम महत्वपूर्ण करियर जो है खिलाड़ी के रूप में, किसी भी सरकारी जो है की तरफ से उपलब्ध खेल में आप भाग ले सकते हो, जिसमें क्रिकेट है, कबड्डी, कुश्ती है, मुक्केबाजी, लॉन टेनिस। आजकल खिलाड़ियों को काफ़ी सुविधाएं सरकार की तरफ से प्रदान की जा रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्टिना नवरातिलोवा
वाणिज्य संबंधी विज्ञापनों के माध्यम से प्रतिवर्ष $2 मिलियन कमाती हैं, यानी कि इनका करियर है। इसी प्रकार से बिली जिन किंग भी महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। और क्रिकेट के हम काफ़ी उदाहरण आपको पता भी है, सभी जान सकते हैं कि किस प्रकार से क्रिकेट में लोगों ने करियर बनाए हुए हैं और काफ़ी अच्छा करियर माना जाता है खेल खिलाड़ी के रूप में। इसके बाद आता है एज ऑफिशियल, आप एक ऑफिसर के रूप में इस क्षेत्र में करियर बना सकते हो। एक खेल प्रतियोगिता या स्पर्धा का अगर कुशल अधिकारी पर निर्भर करता है कि हम ये बता सकते हैं कि सामान्यतः खेल करियर लगभग 10 वर्ष तक होता है, उसके बाद आप खिलाड़ी अधिकारी के रूप में करियर बना सकते हो। यानी कि उसी का मैनेजमेंट करने के लिए, खेल का मैनेजमेंट करने के लिए आप अपने आप को ऑफिसर के क्षेत्र में ले जा सकते हो। संचार माध्यमों में करियर, दूरदर्शन है, रेडियो है, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, इनमें भी करियर आप बना सकते हो। इनमें हम न्यूज़ बना सकते हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित न्यूज़ बना सकते हैं और इसी तरह के मीडिया से संबंधित अनेक करियर भी हो सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं खेल पत्रकारिता की, आप न्यूज़पेपर्स में जब पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि खिलाड़ियों से संबंधित न्यूज़ आती हैं, तो उसे हम खेल पत्रकारिता कहते हैं। पुस्तक लेखन कर सकते हैं आप, गेम्स पर, शारीरिक शिक्षा पर पुस्तकें लिख सकते हैं। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी भी आप कर सकते हैं, बुक पब्लिशिंग का काम आप कर सकते हो। उसके बाद खेल प्रसारण भी आप कर सकते हो, लाइव टेलीकास्ट ETC जो है TV पे दिखाए जाते हैं। मार्केटिंग आप कर सकते हो, खेल के सामान की बिक्री आप करके अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे खेल उद्योग आप बना, इसमें खेल उद्योग में खेल के जो जूते हैं, टी शर्ट हैं, ट्रैक सूट्स हैं, उनका निर्माण करके आप सेलिंग कर सकते हो। और निष्कर्ष की बात करें तो अनेक करियर विकल्पों का हमने यहाँ पर वर्णन किया जो खेल से संबंधित हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे करियर्स जैसे स्पोर्ट्स, बायोमैकेनिक्स, खेल चिकित्सा, खेल पोषण, खेल समाजशास्त्र आदि हम सृजित कर सकते हैं या इनका हम निर्माण कर सकते हैं। ये था हमारा आज का चैप्टर। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।